देखिए, जैसे ही आप 10th क्रॉस करते हो ना, इसके बाद आप 11th में जाते हो। 11th क्लास में आप ढीले पड़ जाते हो। ढीले क्यों पड़ जाते हो? क्योंकि आपके पास पीछे पुंगी नहीं बजी है ना, ठीक है। जैसे आप 9th क्लास में थे, 9th के बाद जैसे ही आप 10th क्लास में आए, ठीक है, तब आपको अच्छा खासा प्रेशर मिलता है, ठीक है। प्रेशर की आदत पड़ी है ना यार। जैसे 10th क्लास में जाओगे, तुम्हारे घर में भी, तुम्हारे रिलेटिव्स, ठीक है, सबसे ज़्यादा रिलेटिव, सभी लोग मिलकर बोलते हैं, क्या बेटा पढ़ाई कर रहे हो? बोर्ड्स हैं इस साल, बोर्ड्स हैं इस साल, बोर्ड्स हैं इस साल। पूरे साल तुम्हें केवल यही सुनना पड़ता है, बोर्ड्स हैं इस साल, बोर्ड्स हैं इस साल, ठीक है। तो जब बोर्ड्स का नाम सुनते हो, तब तुम्हें भी लगता है, तुम्हारी भी फट रही होती कि अरे यार, हाँ यार, बोर्ड्स हैं, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से 10th में तुम्हारी आदत पड़ी है किसके? होमवर्क की। जब तक कोई तुम्हें पीछे से प्रेशर नहीं लगाएगा, तब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगी। अब जब 11th क्लास में आ गए, 11th क्लास में, तब कोई नहीं बोलता कि बोर्ड्स है, बस 11th, अच्छा 11th है, अच्छा 11th है, ठीक है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसके बाद जब 11th क्रॉस करके तुम जाओगे 12th में, ठीक है, 11th क्लास में क्या लगता है कि यार, यूनिट टेस्ट और हाफ ईयरली एग्जाम मिला करके, एनुअल एग्जाम मिला करके, सभी का रिजल्ट मिला करके पास ही ना हो जाएंगे। मेन चीज़ तो 12th में होगा, बोर्ड्स में देख लेंगे फिर, ठीक है। ये सबसे बड़ी गलती होती है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में वही बात कर रहे होंगे यार, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज के पूरे सेशन को कि अपन 11th क्लास में अच्छा स्कोर कैसे करें, और या फिर ये बोल सकते हो आपकी 11th क्लास का टॉपर क्यों बने, क्यों बने और कैसे बने, ठीक है। क्यों बने पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं जो कि आपसे बात करने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि इस पर बहुत ही रेयर में वीडियोज़ मिलती है, बहुत ही रेयर कंडीशन पर वीडियोज़ बनाते हैं लोग, क्योंकि सभी 10th और 12th में बिजी होते हैं, तो 11th क्लास को कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, ठीक है। लेकिन मैं आपके लिए बहुत ही एक बोल सकते हो खासम खास बातें करने वाला हूं और चर्चा करने वाला हूं, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रद्युम्न, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरदार जी एजुकेशन में। देखिए, हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है हेल्पफुल फॉर 12th एग्जाम, ठीक है। अगर आप 11th क्लास पे मैथ्स चूज करी है या फिर आपने कॉमर्स चूज करी, कुछ भी मैटर ये नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप 11th क्लास में तो ठीक है, ढीले पड़ रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको ये चीज़ फोकस में रखना, माइंड में रखना कि तुम्हें एक साल बाद जब तुम 12th में जाओगे तो तुम्हें ऐसा दौड़ना पड़ेगा कि मतलब सोच नहीं सकते, ठीक है। खरगोशों वाली तुम्हारी हरकत होने वाली, ठीक है। तो क्यों ना अपन को कछुए जैसा बने, ठीक है, कछुए जैसा ही बने, पहले से ही धीरे धीरे लग जाए, ठीक है। देखिए, 11th क्लास को आप ऐसे पढ़ें कि आप 12th को, तो आप नेक्स्ट ईयर तुम्हें 12th क्रॉस करना ही है, ठीक है, क्योंकि वो बोर्ड्स है। नेक्स्ट बात, अगर तुम कम्पिटेटिव एग्जाम या फिर एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो उसमें भी तो आपको ध्यान देना ना, क्योंकि ये चीज़ें, ये जो 11th क्लास है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत काम आने वाली है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके बनते हैं ना कम्पिटेटिव एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में, वो सारे आपके 11th क्लास से मोस्टली पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है यार, ठीक है। क्योंकि जब आप घर बनता है ना आपका, तो देखो घर ईंटों का बनता है, बहुत सुंदर लगता है, ठीक है, लेकिन उसके नीचे जो होता है ना, उसके नीचे पत्थर की नींव पड़ी होती है, ठीक है। तो 11th क्लास आपकी बेसिक है, और मेन चीज़ आपका एडवांस 12th क्लास के। देखिए, मार्क्स किसके जुड़ते हैं? बहुत सुंदर सुंदर 12th क्लास के, ठीक है, लेकिन तुम्हें 11th क्लास में अच्छी खासी मेहनत करोगे तब जाके तुम्हें 12th के कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, ठीक है। तो 12th के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तुम्हें पहले से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, इसलिए तुम्हें 11th क्लास में अच्छा स्कोर करना है। नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ाई की बात करूंगा। तो जितना भी आपका पढ़ना है ना, उसका टास्क शेड्यूल कर लो, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अभी आप ये सोच लो कि मुझे 30 मिनट में 5 से 6 पेज मुझे क्लियर कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो एक टास्क बना लिया कि अगर मतलब धरती दुनिया भी अलट पलट हो रही है, मैटर यह नहीं करता, मैटर ये करता है कि अगर 30 मिनट हैं तो 30 मिनट में अगर तुमने सोच लिया है कि 6 से 7 पेज पढ़ना है तो पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। खुद को ऐसी जगह पढ़ाई करने में रखो जहाँ डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। जैसे सोच लिया कि मुझे 10 मिनट में 2 सम्स करने हैं तो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो एक टारगेट को शेड्यूल करो कि इतना पढ़ना है तो पढ़ना है, इतने दिन मतलब एक दिन में मुझे 10 टॉपिक क्लियर करने हैं तो करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात, डू नॉट यूज मल्टीपल रिसोर्सेज, ठीक है, मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज यूज करने की जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि 10-10 बुक रख लेंगे, उसको पढ़ने में लग जाते हैं, ठीक है। 10-10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़ो, तो एक बुक तो अच्छे से क्लियर होगी ना यार, ठीक है। सिलेबस देखो, जो भी सिलेबस है उसके अलावा तो कुछ आने नहीं वाला, तो एक बुक फॉलो करो, जो भी आपके NCERT है या फिर कोई रेफरेंस बुक रख रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है, एक बुक में ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। नेक्स्ट बात मैं बताऊंगा, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसकी नोट्स बनाएं और रिटन नोट्स बनाएं, ठीक है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि ऑनलाइन की आदत पड़ गई उन्हें, तो जो भी यूट्यूबर, फिर जो भी
एडुकेटर होता है वो तुम्हें आपको उसकी अपनी नोट्स दे देता है, ठीक है, जो भी पढ़ा रहा होता है अपनी नोट्स दे देता है। इससे उनको तो अच्छा लगता है, बच्चों को लगता है हाँ बढ़िया ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, उनको भी लगता है कि हाँ मैं ऑनलाइन हेल्प कर पा रहा हूँ बच्चों की। लेकिन उन्हें यह नहीं लगता कि उन्हें नोट्स नहीं बना रहे ना, उसकी बहुत ज़्यादा नींव वीक हो रही, कमज़ोर हो रही, ठीक है। तो ऑनलाइन अगर तुम ट्यूटिंग ले रहे हो तो अच्छी बात है, कोई मैटर नहीं करता, तुम यूट्यूब से पढ़ो कहीं से भी पढ़ो, लेकिन खुद की रिटर्न नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही चीज़ें आपके कम्पिटेटिव एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आगे चल के अगर आप तुम एंट्रेंस एग्जाम कम्पिटेटिव एग्जाम निकालोगे तो उसके लिए 11th क्लास की नोट्स बहुत काम आने वाली है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोकस ऑन योर यूनिट टेस्ट, क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम एंड एनुअल एग्जाम। जो भी आपके क्वार्टरली, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम होते हैं, सब चीज़ों पर अच्छा फोकस करो और अच्छे से तैयारी करो सभी के लिए, क्योंकि सभी के मार्क्स आपके जुड़ने वाले हैं, ठीक है। ट्वेल्थ और टेंथ और ट्वेल्थ नहीं है कि डायरेक्ट बोर्ड्स में जाके क्लियर कर लोगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, गो टू स्कूल डेली, ठीक है, गो स्कूल डेली, डेली स्कूल जाना है। ट्वेल्थ क्लास नहीं है तुम्हारा, टेंथ क्लास नहीं है कि तीन महीने पहले से घर पे बैठ जाओगे खुद पढ़ने लगो कि बोर्ड्स में रिजल्ट जुड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें परफॉर्मेंस भी तुम्हारी देखी जाती है, तो स्कूल वगैरह डेली जाओ, 11th क्लास है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, जो भी आपको सर्किल है ना, मेक योर सर्किल, मतलब नीट होना चाहिए, वाइज होना चाहिए, आपके जो सर्किल में दोस्त हैं, ठीक है, वो उनको भी मतलब वो भी एम्बिशियस हों कि हाँ मुझे ट्वेल्थ में अच्छा क्रॉस करना है तो 11th भी हमारा भी क्लियर होना चाहिए, मतलब 11th क्लास का टॉपर हमें भी बनना, ऐसे दोस्त होने चाहिए, ठीक है, घूमने भागने वाले नहीं, तो अपना सर्किल वाइजली बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जैसा कि आपको पता है कि 11th क्लास हमारी बेसिक क्लास है, तो हम फोकस हमारा कहाँ होना चाहिए, 12th क्लास, तो हम 11th क्लास तो क्लियर कर रहे हैं लेकिन हमारा फोकस क्या है, 12th क्लास, कि मतलब ये है कि हमें भी 11th क्लास में सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो यहाँ तो हमें सीढ़ी चढ़ना ही पड़ेगा, तब आपका 11th क्लास क्लियर होगा। जब आप 12th में फोकस करके रखोगे तो 11th क्लास ऑलरेडी आपको लगेगा कि हाँ यार अच्छा स्कोर करना, तभी जाके मैं 12th में अच्छा कर पाऊंगा, ठीक है, तो बेसिक क्लास में आपको फोकस करना। नेक्स्ट बात, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जब आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जैसे मान के चलो मैंने बताया आपको जैसे तुम्हें टारगेट शेड्यूल कर लिया कि मान के चलो एक दिन में मुझे 10 टॉपिक क्लियर करने हैं, ठीक है, अब क्या है कि फर्स्ट टॉपिक क्लियर हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में जाके आप अटक गए, ठीक है, अब ऐसा मत करो कि उसी टॉपिक पे आप अटके रहो कि यार इसे तो सॉल्व करना ही है अभी, ठीक है, उसे साइड पे रख दो। इससे क्या होता है कि आप उलझ जाओगे ना, उलझने से क्या होगा, आपका टाइम भी जाएगा और एनर्जी भी जाएगी, ठीक है, और बचे 5 आपके टास्क जो हैं एक दिन के, वो पूरे खाली पड़े रह जाएंगे, ठीक है। तो जो आप जिस टॉपिक के आप अटक जाओ उसको बाद पे देख लेना, जितने टॉपिक हैं, जितना शेड्यूल बनाया है उसको पहले क्लियर करके रखो, ठीक है। और देख लो ना, एक चीज़ क्लियर कर लो माइंड में, वही बच्चा टॉप कर सकता है, वही बच्चा आगे बढ़ सकता है जो एक टारगेट बना के चलता है कि दिन मुझे इतना पढ़ना है तो पढ़ना, चाहे तुम छोटा टारगेट बनाओ लेकिन डेली का टारगेट बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट चीज सबसे इंपॉर्टेंट, मेक योर टाइम टेबल, ठीक है, अपना टाइम टेबल बनाओ, 6 से 8 घंटे की पढ़ाई करो, ठीक है। ये चीज क्या करेगा कि आपकी आदत डालेगा, ताकि आप जब 12th में पहुंचोगे तो उसमें आपकी अच्छी हेल्प होगी और आदत पड़ जाएगी, ठीक है। सो 6 से 8 घंटे की अगर आप 11th क्लास में पढ़ाई करोगे तो 12th क्लास में जाके 10 से 12 घंटे की पढ़ाई आराम से कर लोगे, ठीक है। तो प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपके लिए बताना चाहूँगा, मोस्टली 11th क्लास के लिए, कि जो भी सब्जेक्ट आपने लिया, ठीक है, ये मान के चलो मैथ्स लिया तुमने, ठीक है, तो मैथ्स मान लो इंजीनियरिंग में जा रहे हो, ठीक है, तो लाइफ टाइम तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है और तुम्हें मैथ्स वाली सब्जेक्ट्स जो हैं सारी चीज़ें आपके 11th वो इंजीनियरिंग आपके जॉब वगैरह में जो भी आप करोगे, कैंपस सिलेक्शन होगा, उन सारी चीज़ों में आपकी ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है, 11th क्लास से जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है। तो ये सोच के चलो कि मुझे लाइफ टाइम जब वो चीज़ें करनी है तो मुझे बाद में न पछताना पड़े कि यार काश मैं 11th क्लास में पढ़ गया होता, काश मैं 11th क्लास में अच्छा स्कोर कर गया होता और वही दिक्कत में आप बाद में चल करके जॉब में मुझे दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये सोच के चलो जो पढ़ रहे हो उसे लाइफ टाइम उसे आपको रिपीट करना पड़ेगा, तो यहाँ से एक बार चले गए तो मुझे बाद में ये भटकना पड़े, पछतावा काश ना रह जाए, आप भी ना सोचे कि मुझे काश ये कर लेता, ठीक है। तो अपने जो पढ़ाई है 11th क्लास की वाइजली करो, जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों को क्लियर करके माइंड में बिठा के चलो और डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, और ताकि आप एक अच्छा स्टूडेंट और अच्छा टॉपर स्टूडेंट बन सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर होगी, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी होगी, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।